गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 3 स्टोरेज. इन लास्ट लेक्चर व्हाट वी हैव लर्न, इन लास्ट लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द प्राइमरी मेमोरी इन विच वी हैव अ टू टाइप रोम एंड रैम. ओके, सो इन दिस लेक्चर व्हाट वी हैव डिस्कस, इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस इन डिटेल अबाउट द सेकेंडरी मेमोरी विच हैव फोर स्टोरेज. ओके, फोर स्टोरेज, जैसे कि फर्स्ट क्या है, हार्ड डिस्क है, सेकंड सीडी, थर्ड क्या है, डीवीडी, और फोर्थ यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यानी कि जिसे हम पेन ड्राइव बोलते हैं. ओके, सो आपको फर्स्ट क्या दिया है, हार्ड डिस्क दिया है. देखो पेज नंबर 15 पे है बुक में. हार्ड डिस्क में क्या दिया है, द हार्ड डिस्क इज़ अ स्मॉल मैग्नेटिक डिस्क एनक्लोज्ड इन अ सील्ड बॉक्स कॉल्ड हार्ड ड्राइव. अब क्या है हार्ड डिस्क, क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक डिस्क है जिसको क्या किया है, बॉक्स में सील किया है, उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड ड्राइव बोलते हैं. सो हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ अ हाउस होल्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स. ये जो हार्ड ड्राइव होती है उसे सीपीयू बॉक्स के अंदर में हम हाउस्ड कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर उसे हम रखा हुआ होता है. ओके, द कंप्यूटर कैन रीड फ्रॉम और राइट ऑन हार्ड डिस्क. वो कंप्यूटर क्या करेगा, हार्ड डिस्क से रीड और राइट कर सकता है. ओके, सो आपको नीचे फिगर दिया है, उसमें देखिए कई सारे नाम्स दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट आपको बेस कास्टिंग दिया है, कवर माउंटिंग होल्स दिया है ऊपर, फिर इधर दिया है केस माउंटिंग होल्स दिया है, प्लेटर्स दिया है, रिबन केबल दिया है, टैप सील दिया है, पावर कनेक्टर दिया है जहाँ से आप क्या करोगे उसे चार्ज करोगे, जंपर दिया है, जंपर पिंस दिया है, फिर एक्यूटेटर दिया है, एक्यूटेटर एक्सिस दिया है, वो सब क्या है इसके कंपोनेंट्स के नेम दिए हैं. ओके, सो द हार्ड डिस्क स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स मैग्नेटिक एरिया एंड सो इंफॉर्मेशन स्टोर इन द हार्ड डिस्क विल नॉट बी इरेस्ड इवन इफ देयर इज एन इंटरप्रिटेशन इन पावर सप्लाई और इफ़ द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ. अब क्या होगा कि हार्ड डिस्क में जो भी इंफॉर्मेशन है कहाँ पे स्टोर होगी, उसके मैग्नेटिक एरिया में स्टोर होगी. तो जब भी आप हार्ड डिस्क में कुछ भी आपका डेटा स्टोर हुआ है, अगर आपका पावर सप्लाई कट हो गया या फिर कुछ वजह से आपका जो भी कंप्यूटर है वो स्विच ऑफ हो गया, तो आपका जो डेटा हार्ड डिस्क में सेव है वो क्या होगा, इरेज नहीं होगा, वो परमानेंटली स्टोर हुआ है उसमें, तो वो इरेज नहीं होगा. ओके, तो हार्ड डिस्क इट इज़ अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस. इसमें क्या होगा, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा है, वो परमानेंट स्टोर होता है. ओके, सो सेकंड क्या है आपका, सेकंड टॉपिक है वो है, सेकंड डिवाइस है सीडी. सीडी क्या है, जनरली सीडी हमें पता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम कुछ ना कुछ इनपुट डेटा स्टोर करते हैं. ओके, सो द सीडी इज़ अ स्मॉल डिस्क विच इज़ इंसर्टेड इनटू ऑप्टिकल ड्राइव. सीडी क्या है, एक स्मॉल डिस्क है जिसको हम ऑप्टिकल ड्राइव में इंसर्ट करते हैं. ओके, इंसर्ट करने के बाद उसके अंदर जो भी इनपुट है वो हमें कंप्यूटर में दिखेगा. द ऑप्टिकल ड्राइव इज़ फिक्स्ड इन द सीपीयू बॉक्स. ऑप्टिकल ड्राइव क्या है, सीपीयू बॉक्स में उसकी फिक्स प्लेस दी हुई है कि यहाँ पर ही उसको आपको इंसर्ट करना है. ओके, द कंप्यूटर कैन रीड राइट एंड सीडी यूजिंग ऑप्टिकल ड्राइव्स. अब क्या है, कंप्यूटर क्या करेगा, सीडी में जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑप्टिकल ड्राइव के थ्रू वो क्या रीड और राइट कर सकता है. द सीडी इज़ अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस. ये भी क्या है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस. इसमें भी क्या होगा, आपका डेटा इरेज नहीं होगा अगर अनकंडीशनली आपका इनपुट यानी कि जो पावर सप्लाई है वो कट हो गया या फिर कुछ वजह से आपका जो कंप्यूटर है वो स्विच ऑफ हो गया, तो इसमें से भी डेटा इरेज नहीं होगा. जो डेटा स्टोर है वो स्टोर ही रहेगा, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस. Any information stored in CD can never be erased. The CD is removable, but it cannot store more data than the hard disk. CD क्या है, इसमें भी permanent information हम store करते हैं, लेकिन hard disk के compare में इसमें जो storage होगा वो क्या होगा, कम होगा. Okay, hard disk में storage सबसे ज़्यादा होगा. So a CD is slower than the hard disk. अब जो hard disk जितने speed से काम करता है, सीडी उतनी स्पीड से काम नहीं करती, तो ये क्या है, स्लोवर है इसके कंपेयर में. ओके, थर्ड क्या है, डीवीडी. नाउअडेज डीवीडी इज द पॉपुलर देन सीडी. डीवीडी और सीडी में क्या फ़र्क है, डीवीडी अभी हम बात करें तो सीडी से ज़्यादा पॉपुलर क्या है, डीवीडी. डीवीडी लुक्स लाइक अ सीडी एंड सीडी
डीवीडी क्या कैसे दिखती है? सेम एज सीडी की तरह ही दिखती है डीवीडी, ओके। एंड लाइक द सीडी एंड डीवीडी इज आल्सो इंसर्टेड इनटू द ऑप्टिकल ड्राइव। इसे भी हम किसमें सीपीयू में जो आपको एक परमानेंट उसकी प्लेस दी होती है वहाँ ऑप्टिकल ड्राइव में ही उसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। विच इज़ फिक्स एट द सीपीयू बॉक्स, जो सीपीयू बॉक्स में उसकी प्लेस फिक्स है उसमें हम उसे इंसर्ट करेंगे। अ डीवीडी कैन स्टोर मोर डेटा देन द सीडी। डीवीडी में क्या होगा, डीवीडी में सीडी से ज़्यादा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, ओके। और सीडी में हार्ड डिस्क में सीडी से ज़्यादा डेटा स्टोर होगा और डीवीडी में भी सीडी से ज़्यादा डेटा स्टोर होगा, ओके। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, फोर्थ वन क्या है हमारा, यूएसबी फ्लैश ड्राइव। उसे हम क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव भी बोलते हैं। जो हम अभी यूज़ करते हैं उसे क्या बोलेंगे, पेन ड्राइव बोलेंगे। ये शायद पता नहीं होगा आपको ये नाम, लेकिन ये नाम तो आपने सुना होगा। तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव का नाम क्या है, पेन ड्राइव। तो वो क्या है पेन ड्राइव, सो यूएसबी फ्लैश ड्राइव इज़ अ वेरी स्मॉल स्टोरेज डिवाइस। ये क्या है, वेरी स्मॉल स्टोरेज, इट इज़ अ वेरी स्मॉल स्टोरेज डिवाइस। पेन ड्राइव क्या है, इट इज़ वेरी स्मॉल स्टोरेज डिवाइस, जिसमें आप इंफॉर्मेशन स्मॉल इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो, ओके। विच यू कैन ईजिली कैरी इन योर पॉकेट। ये कैसी होती है, साइज़ में भी छोटी होती है, तो हम क्या कर सकते हैं उसे ईजिली पॉकेट में कैरी कर सकते हैं। और फिर इट इज़ स्मॉलर फास्टर एंड कैन स्टोर मोर डेटा। इसमें क्या होगा, ये क्या है, स्मॉल है, साइज़ में स्मॉल है, तो ईजिली आप पॉकेट में उसे कैरी कर सकते हो। लेकिन इसमें जो ये इसका जो फंक्शन है, यानी कि इसका जो एप्लीकेशन है, वो क्या है कि वो स्मॉलर है, फास्टर है और ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है। आपने पेन ड्राइव देखा होगा, अलग अलग स्टोरेज की आती है, 32 GB की आती है, 56 GB की आती है, तो 128 GB की आती है। तो वो क्या है, भले ही वो साइज़ में स्मॉल है, लेकिन उसमें जो डेटा हम स्टोर कर सकते हैं वो क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है, ओके। सो इट कैन बी प्लग्ड इन टू एनी कंप्यूटर विथ यूएसबी ड्राइव। इसके लिए भी आपको क्या है, सीपीयू में एक अलग ही प्लेस दिया होता है जहाँ पर हम पेन ड्राइव को प्लग इन कर सकते हैं, ओके। सो ये चैप्टर हमारा स्टोरेज वाला आज यहाँ पे फिनिश हो रहा है। इसके बाद जो लेक्चर होगा हमारा नेक्स्ट, उसमें हम एक्सरसाइज करवाएंगे, और ये जो मैंने लिखवाया है वो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ओके। सो थैंक यू एवरीवन, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर नहीं लिख पाओ तो।